नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं आईएनएन 24। रुक करते हैं खबरों की तरफ। सूरजपुर जिला मुख्यालय के साधु राम सेवा कुंज में आम आदमी पार्टी का जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके पूर्व बड़े पैमाने पर बाइक रैली निकाली गई, जो पूरे शहर में घूमते हुए साधु राम सेवा कुंज पहुंची, जिसे देख बड़ी राजनीतिक दलों का नींद उड़ गया है कि अब दिल्ली पंजाब में सरकार बनाने के बाद कहीं छत्तीसगढ़ की बारी तो नहीं है। दिल्ली से आए छत्तीसगढ़ प्रभारी शशि मोहन व संतोष श्रीवास्तव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता अब बीजेपी कांग्रेस से ऊब चुकी है, इसलिए अब आपकी बारी है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कोमल उपेड़ी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता अब ऊब चुकी है, बदलाव चाहती है। हम पूरे 90 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। सूरजपुर जिला अध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस बीजेपी से ऊब चुकी है, इसलिए अब सभी आम आदमी पार्टी के साथ आना चाहते हैं और हमारी सरकार बनती है तो दिल्ली के केजरीवाल सरकार के तर्ज पर छत्तीसगढ़ का विकास कार्य किया जाएगा। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में सारे 90 विधानसभाओं में संगठन खड़ा कर दिया। शुरुआती दौर में हमने ग्राम मोहल्ला संपर्क अभियान चलाया, जिसमें 12,000 गांव तक हमने घर घर पहुंच के संगठन का निर्माण किया। 8,000 गांव बचे हैं, जिसका अभी काम चल रहा है। इसके अलावा फंड रेजिंग का काम हमारा चल रहा है, क्योंकि सारे राजनीतिक दल बड़े बड़े पूंजीपतियों उद्योगपतियों से पैसे लेकर संगठन बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस देश में अकेली पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो जनता के पैसे से संगठन बनाती है, जनता के पैसे से लड़ती है और जैसे ही सरकार में हम आते हैं जनता के लिए काम करते हैं। पूरे 90 विधानसभा में चुनाव लड़ना है आम आदमी पार्टी को, और आज हमारे सूरजपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, बाइक रैली हुआ, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह हुआ और बहुत ही अच्छा ढंग से कार्यक्रम हुआ। 100% बदलाव होगा, जनता चाह रही है कि बदलाव। कांग्रेस और बीजेपी दोनों से उग गई है जनता, और वो चाह रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरह नेतृत्व आए और सरकार साफ सुथरा बने। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।